मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा में चयनित प्रदेश के अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उन्हें शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने चयनित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनके साथ संवाद भी किया। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने मंच से अपने अनुभव भी साझा किए। सीएम मोहन यादव ने अभ्यर्थियों को सफल लोक सेवक बनने का मंत्र दिया। इस दौरान टॉपर मनीषा धरावे के अलावा आराधना चौहान और क्षितिज आदित्य शर्मा ने अपने अनुभव साझा किए। इस कामयाबी के लिए अभ्यर्थियों ने अपने माता पिता और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। ऐसे कई उदाहरण है हमारे आसपास हम देखे हैं। तो हमारे लिए दो तीन बातें मैं बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। सिविल सेवा परीक्षा जो होता है छोटी रैंक में है और इस सफलता का श्री मैं अपने परिवार, अपने सभी अध्यापक, पारिवारिक मित्र एवं सभी छोटे विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है कि सिविल सेवा में मैं ऐसा काम करता हूँ कि अपने सभी बड़ों और पूरे देश की उम्मीदों को पूरा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की पहली सब्सक्राइबर गर्ल हूँ जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुई हूँ। मैं सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहूंगी जो कि शिक्षक है। उनका हमेशा से कहना था कि कलम में तलवार से 100 गुना ताकत होती है। यदि आप समस्याओं को चोट करना चाहते हो तो मेरा प्रयास है कि मैं पिछड़े क्षेत्र में उस दरिद्र नारायण तक सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों को पहुँचा सकूँ जो अभी भी हमारी बहुत से कई दूर राशियों में जीवन यापन कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।